सुख शांति रखे सर जी। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका इन विटू में। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं किचन से। तो यहाँ पे बन रही है भाई मेरा रात का खाना। तो डिनर में आज क्या बन रहा है वो मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगी। आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने वाली हूँ जिसको देख करके आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। और ये जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुल्लर की सब्जी। मैंने बहुत बार अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में भी डाली हुई है, लेकिन शायद आप लोगों ने मेरा प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा तब भी ठीक है, बाकी मैंने बहुत सारे ब्लॉग डाल दिए हैं तो वहाँ पर ढूंढना मुश्किल ही होगा। तो मैंने सोचा कि बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि किस तरह की मैं सब्जी बना रही हूँ। तो गुल्लर की सब्जी जो है सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इसको बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, कोई भी बड़ा झंझट नहीं है। उबालना है और उसका जो पानी है उसको निकालना है और फिर कुछ इस तरह का जो है पेस्ट बनकर के तैयार होगा। तो पूरी की पूरी डिटेल में उसकी आप लोगों के साथ एज इट इज शेयर करूंगी क्या क्या करना पड़ता है। तो यूं ही बने रहिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या करना है। रेसिपी दिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। हम लोग गए एक फंक्शन में, तो पापा जी के मामा जी के घर एक छोटा सा फंक्शन था, उनके यहाँ छोटा सा पोता नन्हा सा मेहमान आया हुआ है, तो हम लोग इसी के रिगार्डिंग गए हुए थे। तो उन्होंने फंक्शन रखा हुआ था तो हम लोग सारा का सारा परिवार ही चले गए। बाकी यहाँ पर रखे हुए थे बहुत सारे गमले, तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फूल इन्होंने लगाए थे, एलोवेरा वगैरह लगाया हुआ था। तो मैंने सोचा कि उन्हें मैं कैप्चर ही कर लूँ, तो इनको देख कर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये देखिए, तो ये हैं गुल्लर। तो गुल्लर जो है बहुत ही अच्छी सब्जी होती है। तो ये पेड़ों पे लगे हुए थे, मैंने इसका पेड़ भी आपको प्रीवियस ब्लॉग्स में दिखाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं जब गांव वाले घर में जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस तरह के ये छोटे छोटे से गुल्लर होते हैं, इनको अच्छी तरह से धोना पड़ता है और धोने के बाद इनको उबालना पड़ता है। तो आप इनको कुकर में भी उबाल सकते हैं जिस तरह से आप आलू उबालते हैं। तो यहाँ पर मैं यही काम कर रही हूँ, मैंने इनको साफ़ कर लिया है और फिर मैंने इनको ठंडे पानी से या आप चाहे तो गर्म पानी से इनको अच्छी तरह से धो सकते हैं। धोने के बाद इनको कुकर में आप लोगों ने डाल देना है और फिर इनको अच्छी तरह से उबालना है। तो कुकर की सीटी लगभग 4-5 बार आ जानी चाहिए तब जाकर के ये पकेंगे। थोड़े सख्त सख्त से होते हैं, उतने ज़्यादा भी नहीं होते हैं, लेकिन 4-5 सीटी अगर आप इनको लगवा देते हो तो ये फिर अच्छे हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा तेल और नमक भी मैं डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, कुकर में मैंने इनको डाल दिया है और फिर यहाँ पर मैंने चूल्हे पर इनको रख दिया है। थोड़ा सा पकाने के बाद जैसे 4-5 सीटी वगैरह आ गई तो इनको पकाने के बाद फिर मैंने कुकर को खोला और ये देखिए ये बिल्कुल उबल गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये बहुत गर्म है तो आप चाहो तो इनको ठंडे पानी में भी भिगो कर रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तब जा कर के ये ठंडे हो जाएंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल नरम हो गए हैं। तो अब क्या करना है, इनमें जो पानी है वो हम लोगों ने अलग कर देना है और सूखा सूखा सा पेस्ट हमने इनका लेना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आगे करना क्या है। मैंने इनको ठंडे पानी में डाला हुआ है ताकि ये बहुत गर्म है और फिर मैं इनको अच्छी तरह से इनका पानी निचोड़ सकूँ। और यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह काट के रख दिया है और जो निचोड़ के मैंने साइड में इनका पेस्ट बनाया हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ एज इट इज़ बता रही हूँ कि किस तरह से आप लोगों को करना है। तो इस तरह से सूखा पेस्ट इनका बनना चाहिए तब जाकर के ये बनेंगे। अगर आप इनमें पानी छोड़ोगे तो पानी से फिर ये अच्छे नहीं होंगे, बिल्कुल चिपचिप से हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि पूरा का पूरा पानी आप लोगों ने यहाँ का निकाल देना है। तो प्याज इसमें ज़्यादा पड़ता है, जितना ज़्यादा प्याज आप लोग डालोगे उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। और ध्यान रखिए कि तड़का आप लोगों ने सरसों के तेल में ही लगाना है।
तो यहाँ पे मैंने अदरक प्याज और लहसुन की एक दो कलियाँ ही डालनी है। तो ये मैंने पेस्ट बना करके तैयार रखा हुआ है। तो मैं इसमें टमाटर नहीं लगाऊंगी, टमाटर मुझे अच्छे नहीं लगते हैं इस सब्ज़ी में। अगर आप चाहो तो इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड नहीं करने हैं। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ी सी सूखी मिर्च डाल दी धोकर, और फिर सूखा धनिया और जीरा मैंने इसमें ऐड करना है। और जैसे ही गर्म हो जाएगा तेल बिल्कुल, तो फिर हमने फिर प्याज डालना है। तो यहाँ पे मैंने धनिया जीरा वगैरह डाल दिया है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फिर प्याज भी डाल दिया है। अब प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक प्याज अच्छी तरह से भुनेगा नहीं, तब तक हम लोगों ने सब्जी को ऐड नहीं करना है। तो बनाने में इसकी रेसिपी बिल्कुल आसान है। जिस तरह से आप रोज़ तड़का लगाते हैं, उसी तरह से तड़का लगाना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाला हुआ है और नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और नमक आपको अपने स्वादानुसार डालना है। चाहे आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो ज़्यादा डाल देना है, अगर कम खाते हैं तो कम डालना है, लेकिन डालना अपने स्वादानुसार ही है। थोड़ी सी इसमें हल्दी भी डालनी है। तो जितना भी मसाला मेरे पास था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो प्याज का कलर जैसे ही ब्राउन हो जाता है, आप लोगों ने इसमें ये सब्जी डाल देनी है जो भी आप लोगों ने पेस्ट बनाया हुआ है। और फिर लगभग 5-7 मिनट के लिए ऐसे चूल्हे पर रख देना है ताकि ये और ज़्यादा पक जाए। और फिर जब ये पककर तैयार हो जाएगी, तब आपने इसमें कच्चा प्याज डालना है और साथ के साथ हरा धनिया डालना है, और हो सके तो 1 चम्मच देसी घी भी इसमें ऐड कर देनी है। और भाई फिर आने वाला है मज़ा बहुत ही ज़्यादा। तो आज भी हम लोगों ने यही सब्जी खाई तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ख़ास करके जिनका बीपी हाई और लो रहता है, उनके लिए ये सब्जी बहुत ही कारगर होती है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया है और मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे एक नए ब्लॉग में। बाकी बाय बाय, टाटा।